यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चल रही है तो बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कड़ना द्वारा मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, कोई सुनने वाला, दबाते जाते। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको बता दें, बीते दिन पहले आपने देखा होगा फिरोजाबाद का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें सिपाही की दयनीय स्थिति देखने को मिली। जी हां, सिपाही किस तरीके से बिलख कर रो पड़ा। सिपाही का कहना था कि उसको साफ मैस में खाना नहीं मिलता। जी हां, खाना मिलता है तो खराब जली हुई रोटी मिलती है और कहीं पतली दाल मिलती है। इसकी शिकायत जब उसने उच्च आला अधिकारियों से की तो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, साथ ही सिपाही ने बताया कि उसकी वर्दी खींची गई। जी हां, इस तरीके का कृत्य किया गया। अब आपको बताते हैं और सुनवाते हैं कि किस तरीके से प्रार्थी मनोज कुमार के साथ घटना घटित हुई। लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाइयों, देख लो इस आरक्षी पर, समझ उत्तर अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब, ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मौजे द्वारा, कड़ना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, ताली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय के नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ। एडीजी आ गए साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊं जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते, 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोगों ने बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, लेकिन बचे मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो वीडियो में आपने देखा किस तरीके से मनोज कुमार बिलख कर रो रहा है। जी हाँ, इसका कोई और कारण नहीं, महज सही खाना न मिलना है, प्रार्थी को सही खाना नहीं मिला। जी हाँ, अब आपको बताते हैं इससे जुड़ा हुआ एक और मामला कि असल में प्रशासन के खाने की हालत क्या हो चली है। आपको बताते हैं, फिरोजाबाद के नज़दीक जिला मैनपुरी पड़ता है, जिला मैनपुरी में जब एसपी कमलेश दीक्षित ने खाने की मैस में छापा मारा तो वहाँ भी हालत कुछ इस तरह दयनीय दिखाई दी। जी हाँ, छापे के दौरान देखा गया कि मैस में जली हुई रोटियाँ हैं और साथ ही बिल्कुल पतली दाल मिली। इस तरह की घटनाएं हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि असल में प्रशासन का सिपाही 24 घंटे जनता की सेवा में तैनात रहता है, उसके साथ भी हालत कुछ इस कदर रही। तो आपको बताते हैं, मनोज कुमार को अब जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। जी हाँ, प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। भैया आप
ये थोड़ा साइड में हो जाओ। इस तरह की बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।